नमस्कार साथियों, आज के मुख्य समाचारों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमित शाह जी ने लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम में क्या कहा। समस्त प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए या अन्य संविदा कर्मियों के लिए क्या कुछ कहा है, क्या प्लानिंग की गई है सरकार के द्वारा हम सभी प्रदेश के कर्मियों के लिए या संविदा कर्मियों के लिए क्या कहा। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। सबसे पहली खबर के साथ शुरू करते हैं आज का ये पूरा वीडियो साथियों। लखनऊ से बड़ी खबर, शासन के पास शिक्षा मित्रों का मांग पत्र पहुंचा। दीपावली से पहले लखनऊ बुलाया जा सकता है। शुक्रवार अक्टूबर 29, 2021 बेसिक शिक्षा न्यूज़ से ये समाचार आ रहा है साथियों। और एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है शिक्षा मित्र अनुदेशक या अन्य संविदा कर्मियों के लिए। क्या होगी वो खबर, हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, शासन के पास शिक्षा मित्रों का मांग पत्र पहुंचा। दीपावली से पहले लखनऊ बुलाया जा सकता है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार चुनावी सफर में वे शिक्षा विभाग के सभी कार्मिकों की समस्याओं का समाधान हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सभी के मांग पत्र के सापेक्ष शासन स्तर पर योगी सरकार उचित मांगों पर विचार विमर्श करेगी। फिलहाल राहत वाली बात है ये कि दूसरी सूची में प्रदेश के लाखों पीड़ित शिक्षा मित्रों की पीड़ा को लेकर, उनके मांग पत्र को लेकर कल दिनांक 28 अक्टूबर को उनका मांग पत्र सूचीबद्ध शासन स्तर पर हो चुका है, जो कि अपेक्षित है कि दीपावली के पूर्व या पश्चात सभी सूचीबद्ध संगठनों के मुखियों को उक्त कमेटी वार्ता के लिए सुनिश्चित किए गए तिथिवार बुलाया जा सकता है और वार्ता के सापेक्ष हुई समिति को प्रस्तुत करके मुख्यमंत्री जी के पास भेजेगी और मुख्यमंत्री जी जिस पर सहमति देंगे उसी पर कैबिनेट मंजूरी के बाद उस पर आचार संहिता लगने से पहले शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। बहरहाल सबसे ज्वलंत मुद्दा प्रदेश के लाखों पीड़ित शिक्षा मित्र अनुदेशकों की स्थायी और गतिशील जीविका का है, जिसका हल 4.5 साल से अधिक समय बीतने के बाद अभी तक योगी सरकार भी इस प्रकार का कोई स्थायित्व समाधान नहीं निकाल पाई है, जो कि पीड़ित शिक्षा मित्रों के गतिमान कार्यक्रम में बहुत ही बेसब्री से हर पल इंतज़ार हो रहा है। खैर, समय पीड़ित शिक्षा मित्रों के उचित मांग पत्र शासन स्तर पर उचित पटल पर पंजीकृत करवाने के लिए शिक्षा मित्र शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री अभय कुमार सिंह जी को उनकी सक्रियता एवं प्रयास के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देख सकते हैं आप शिक्षा मित्रों। और एक खबर आ रही मानदेय को लेकर। मानदेय अक्टूबर माह का आ चुका है साथियों, लेकिन इसमें एक जानने वाली खास गौर करने वाली बात यह है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का पूर्व की तरह यानी कि 7,000 और 10,000 ही मानदेय आया है। कोई भी मानदेय वृद्धि अक्टूबर में नहीं हुई है, जो कि पहले कह रहे थे कि अक्टूबर मानदेय बढ़ के आएगा, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। देखते हैं इस नवंबर में क्या कुछ खास होता है, क्या यही मानदेय दीपावली से पहले मिलके हमको दिया जाएगा या कुछ बढ़ के आएगा। लेकिन हाँ, कुछ खास ज़रूर होगा। यहाँ पर एक और समाचार देखना चाहेंगे हम लोग। यहाँ पर ये कि संघर्ष जारी, जनपद उन्नाव में जिलाधिकारी उन्नाव के द्वारा भी माननीय मुखन जी के द्वारा गठित कमेटी अध्यक्ष मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के शासन को ज्ञापन दिया गया। अनुदेशक शिष्यों की समस्याओं को लेकर दीपावली के पहले खुशखबरी मिले। यहाँ पर शशांक मिश्रा जी हमारे अनुदेशक भाई और प्रदेश अध्यक्ष अपने संगठन के जिला अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पर ये मांग पत्र दिया है। आज का समाचार ये। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।